गुड मॉर्निंग प्लीज सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। म्यूट हो गए सब लोग। देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में जो फिजिक्स में डिस्कस किए थे, तो आज हम लोग जो प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किए थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड को डिफाइन किए थे। स्पीड किसको कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड जो है ये हम आपको बताए थे, ठीक है। स्पीड के बारे में और क्या सब बताए थे हम आप लोगों को? स्पीड के बारे में हम क्या बताए थे आप? स्पीड स्पीड से ही शुरू करते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं है। प्लीज आप लोग म्यूट हो जाइए। स्पीड किसको कहते हैं? तो यहां से फिर से कंक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए लिखे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। यानी कहने का मतलब ये बात का, जब कोई मूविंग बॉडी जो डिस्टेंस कवर करता है और उस डिस्टेंस को कवर में जितना टाइम लगता है, उस दोनों का जो रेशियो निकालेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा। इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। दूसरा स्पीड इक्वल टू हम क्या जानते हैं? स्पीड इक्वल टू जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। इस पर एक न्यूमेरिकल भी हम आपको बताए थे कि एक बस जो है 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 आवर में, तो बोल रहा है क्या कि उसका स्पीड फाइंड कीजिए कि वो जो बस है वो कितना की रफ्तार से चल रही है। तो ये चीज हम तो आपको बताए थे प्रीवियस क्लास में। आज हम आपको ये बताएंगे कि स्पीड जो होता है ना वो दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहते हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो वो इक्वल स्पीड का नहीं हो जाएगा, अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा तो वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल होगा। एक ही और हम आपको बता दें अबाउट स्पीड को लिख करके, अबाउट स्पीड। स्पीड क्या है? यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। स्पीड क्या होगा बाबू? स्पीड हो गया स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। दूसरा क्या होता है बाबू? ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। दूसरा इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। दूसरा चीज हम आपको ये बता दें थर्ड में कि ये जो होता है ये जीरो या पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव कभी नहीं होगा। स्पीड जो होगा ये क्या होता है? जीरो या पॉजिटिव हो सकता है। इट मे बी जीरो और पॉजिटिव। ये जो है जीरो या पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। यानी उसके बाद फोर्थ पॉइंट में लिख देंगे इट नेवर बी जीरो, इट नेवर बी निगेटिव। ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। इट कैन नेवर बी निगेटिव। ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है।
तो ये भी दो तरह का हो गया, एक यूनिफॉर्म स्पीड हो गया और एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं स्पीड के अंदर एवरेज। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे स्पीड के बारे में, स्पीड किसको कहते हैं, और अबाउट स्पीड के बारे में हम चार चीज जाने कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, या एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, और ये जीरो और पॉजिटिव हो सकता है, और ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है स्पीड। अब हम आपको इसमें एवरेज स्पीड के बारे में बताएंगे। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता मालूम है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी मूविंग बॉडी इन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम लिए टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन अ गिवन इन अ टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल टाइम टेकन में जितना डिस्टेंस कवर करता है वो उसका क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड कहलाता है। एवरेज स्पीड शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं जी, ए बी स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अब हम इसका एक एग्जांपल लेकर के बता रहे कि एवरेज स्पीड क्या होता है। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेकर के हम आपको समझाते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा, देखिए स्पीड का, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर के लिए, यानी एक ट्रेन जो है वो ट्रेवल कर रहा है इतना किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से इतना घंटा के लिए, ठीक है, एट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर एंड एट 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.71 आवर, What is the average speed of the train? ट्रेन का एवरेज स्पीड कह रहा है फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जो कितना 0.52 आवर के लिए इतना की रफ्तार से चल रहा है, 0.24 आवर कितना की रफ्तार से चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, और फिर वो 0.71 आवर जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से अगर वो ट्रेन चल रही है, तो बताइए कि वो ट्रेन अपने होल जर्नी में, यानी जितना भी दूर तय किया हुआ, जितना भी पूरा होल जर्नी में, उसका एवरेज स्पीड कितना है। याद देख लीजिए, कहीं पर इसका 60 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, कहीं पे इसका कितना है 30 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, कहीं पर इसका कितना है 70 किलोमीटर पर आवर है स्पीड। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे टोटल डिस्टेंस, हम लिखेंगे इन फर्स्ट सिचुएशन। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप थोड़ा सा, इन फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन में क्या बाबू, फर्स्ट सिचुएशन में देख रहे हैं स्पीड इक्वल टू दिया हुआ है कितना 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया हुआ है 0.52 आवर, टाइम दिया हुआ है 0.52 आवर। तो इससे हम पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या जाते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम,
डिस्टेंस इक्वल टू क्या जानते हैं, स्पीड इंटू टाइम। तो हम डिस्टेंस को शॉर्ट में डी वन लिख देते हैं, डिस्टेंस को शॉर्ट में डी वन लिख देते हैं, यानी फर्स्ट सिचुएशन में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो स्पीड का कितना था, स्पीड है 60, और कितना घंटा के लिए ये चला था इसके रास्ता से 0.52 आवर। पॉइंट ट्रायंगल कितना होगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, इसको करेंगे तो कितना 6 2 12 1 6 31 31 by 10, यानी कितना होगा 31.2 किलोमीटर। यानी वो ट्रेन जो है फर्स्ट सिचुएशन में 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रही है और इतना घंटा के लिए चल रही है, तो दरअसल वो ट्रेन उस स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर किया है, 3.2 किलोमीटर पर किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब हम आते हैं सेकेंड सिचुएशन में, इतना स्पीड से कितना घंटा के लिए चला, 0.24 आवर के लिए चला है। हम लिखेंगे इन सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड केस या सिचुएशन लिखो, स्पीड कितना दिया हुआ ट्रेन का, स्पीड दिया हुआ 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है बाबू 0.24 आवर। तो इससे हम D2 निकाल लेते हैं, यानी सेकेंड सिचुएशन का डिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो कितना होगा, स्पीड का वैल्यू होगा कितना 30 इंटू टाइम कितना होगा 0.24। तो पॉइंट उड़ाएंगे तो 100 होगा, लेकिन 0 से 0 कट जाएगा, 24 3 कितना हो रहा है 72 by 10, यानी 7.2 किलोमीटर। यानी सेकेंड सिचुएशन को कितना किलोमीटर कवर किया है, 7.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। और उसके बाद इन थर्ड सिचुएशन में क्या, सब ट्रेन का आवर कितना है 70 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड बल इक्वल टू दिया हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है बाबू 0.71 आवर। इससे हम डिस्टेंस निकालते हैं, मान लो D3 निकालते हैं, तो D3 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, स्पीड कितना बाबू 70 इंटू टाइम कितना ले रहा है 0.71। पॉइंट उड़ाएंगे नीचे कितना होगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 7 7 7 7 49 by 10, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 49.7 किलोमीटर। अब बताओ कि तीन अलग अलग रफ्तार अलग अलग समय के लिए वो चला है, तो पहला सिचुएशन में वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, इतना किलोमीटर, सेकेंड सिचुएशन में कितना किलोमीटर डिस्टेंस किया 7.2 किलोमीटर, थर्ड सिचुएशन में कितना किलोमीटर डिस्टेंस किया कितना किलोमीटर। तो अगर पूछा जाएगा कि वो ट्रेन अपने पूरे होल जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा D1 + D2 + D3, यानी तीनों डिस्टेंस को जोड़ लेंगे, यानी आप तो प्लीज किसी ये जिस बच्चे को समझ में नहीं आया हो वो अनम्यूट होकर के साथ क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर ये समझ में नहीं आया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर कैमरा नीचे कीजिए ना, नहीं हो रहा सर, नहीं हम इसको इरेज कर देते हैं, इसलिए हम इरेज करने से पहले पूछ ले रहे हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले पूछ ले, फिर हम इसको नहीं सर प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ओके, तो देखो बाबू हम लोग जो डाबी डिस्कस कर रहे थे एवरेज स्पीड के बारे में, किसके बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड होता क्या है। एवरेज स्पीड जो है अगर मान लो कोई बस दरभंगा से पटना से शुरू हुआ, क्या आपको मालूम है कि दरभंगा से पटना तक जाने के लिए बस का स्पीड हमेशा एक ही जैसा रहता नहीं रहता, कभी घटता है कभी बढ़ता है, कभी फ्री रोड मिला तो ज्यादा स्पीड से चला लिया कुछ घंटों के लिए, अगर व्यस्त रोड मिला तो कम कुछ घंटों के लिए वो क्या किया, स्लो में भी चला लिया, यानी कम स्पीड पर भी चला लिया। तो पूछा जा रहा है कि वो ट्रेन दरभंगा से पटना जाने में यानी अपने पूरे होल जर्नी में उसका एवरेज स्पीड कितना था, तो वो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका हम अभी बता रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल लेकर के बताए कि एक ट्रेन है जो तीन फेज में, तो वो अपना स्पीड बढ़ रहा है, यानी पहला फेज में 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है,
कितना घंटा के लिए चला, 0.42 आवर के लिए फर्स्ट में। फिर उसके बाद वो ट्रेन जो है 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा, कितना घंटा के लिए, 0.24 आवर के लिए चल रहा था। फिर उसके बाद फिर वो ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा था, कितना घंटा के लिए, 0.71 आवर के लिए चल रहा था। पूछ रहा कि वो अपने होल जर्नी में उसका एवरेज स्पीड कितना था। तो हम तो सबसे पहले ये एवरेज स्पीड बराबर क्या जानते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो हम फर्स्ट सिचुएशन में निकाले कि स्पीड मालूम था और कितना घंटा तक चाहिए इस रफ्तार से वो मालूम था, उससे हम फर्स्ट सिचुएशन में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो ट्रेन 31.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। सेकेंड सिचुएशन में ट्रेन कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो 37.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर थर्ड सिचुएशन में ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर किया, 49.7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तीनों सिचुएशन का डिस्टेंस मालूम हो गया ना बाबू, अगर तीनों डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस मालूम हो जाएगा उस ट्रेन का कितना कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस बराबर हम लेके इसको इरेज करें, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, D1 + D2 + D3। यानी फर्स्ट में डिस्टेंस कितना कवर किया, 31.2, यहाँ पर लिख देंगे 31.2। सेकेंड में कितना दे रहा है, 7.2, और थर्ड में कितना दे रहा है, 49.7। ये सब कुछ बढ़ेंगे कितना होगा, 18 और ये कितना बच जाएगा, 1 4 + 1 5 5 और 3 8, यानी 88.1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया हम पूरे अपने होल जर्नी में। ट्रेन जो है तीन बार जो अपना स्पीड बदल रहा था, वो स्पीड जो भी बदला हो मगर टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 88.1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब हमको ये निकालना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, और टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट सिचुएशन का टाइम, सेकेंड सिचुएशन में जो टाइम दिया है, हर सिचुएशन में जो टाइम लिया, तीनों टाइम को जोड़ देंगे टोटल टाइम हो जाएगा ना। पहला सिचुएशन में जो टाइम लिया है वो कितना है, हमने किया था टोटल, यानी फर्स्ट सिचुएशन में जो टाइम लिया है वो 0.52 है, फर्स्ट सिचुएशन में 0.52 आवर लिया। सेकेंड सिचुएशन में टाइम कितना ले रहा है, 0.24 आवर ले रहा है, और थर्ड सिचुएशन में कितना टाइम ले रहा है, 0.71 आवर ले रहा है। टोटल जोड़ देंगे तो कितना मालूम है, 1 + 4 + 5 + 2 = 7 + 2 = 9 कितना होगा, 14 4 1 बन जाएगा तो 1 यहाँ लिख दिए, यानी 1.47 आवर ले रहा है। कितना आवर ले रहा है, 1.4 आवर टोटल टाइम ले रहा है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू लिखेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू जानते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 88.1, और टोटल स्पीड कितना कवर किया, टोटल का टाइम कितना ले रहा है, 1.47। अब एक बार बताओ, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा, अब नीचे से पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा, तो 8810/147 इसका हो गया। इसको हम डेसिमल में ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, 147 से 88 यहाँ कर देते हैं, 147 से 881 जो है ना उसको डिवाइड करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 147 को अगर 6 करके देखते हैं कितना होता है, 82 आ रहा है ना, 6 नहीं लगेगा, 5 से लगेगा बाबू, 57 जब 35 3 बन जाएगा, 54 जब 20 और 3 23 2 5 1 5 + 2 7 10 में 11 में से 5 माइनस होगा तो 1,
ये कितना होगा, 7 में से 3 माइनस होगा तो 4, और 8 में से 3 माइनस होगा तो भाई 0, ठीक है, लगभग 9.23 जो भी हो, यानी लगभग अप्रोक्स इसको लिख दे रहे हैं 59.2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से वो एवरेज चल रहा था, ना तो 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चला, ना तो 30 किलोमीटर के पर आवर के रफ्तार से चला, ना तो 70 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चला, एवरेज उसका कितना माना गया है, एवरेज उसका माना गया बाबू 59.2 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए जब भी कहेगा तो सबसे पहले आप अपने पूरे होल जर्नी का टोटल डिस्टेंस निकालेंगे आप जैसे भी निकालना पड़े, और फिर टोटल टाइम निकालेंगे, अब तब वो दोनों का रेशियो निकाल करके हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड बराबर हमको मालूम हो गया, फिर स्पीड के बारे में जान गए, एवरेज स्पीड के बारे में जान गए। स्पीड दो तरह का होता है, जिसको कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड, और एक होता है नन यूनिफॉर्म स्पीड। नन यानी यूनिफॉर्म स्पीड को कहा जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, उसको क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, उसको क्या कहा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता मालूम है, वेरिएबल स्पीड के नाम से भी जाना जाता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, वेरिएबल स्पीड के नाम से भी जाना जाता है। यानी आज बाबू हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है वो स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस किया है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में, कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी किसको कहते हैं। अब एक बात बता रहे हैं कि होता है डिफरेंशियल उसी तरह, मगर इसमें डायरेक्शन नहीं पता हो रहा है, इसमें स्पीड में डायरेक्शन पता नहीं हो रहा है, मगर स्पीड वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं पता होता है। तो हम स्पीड का डिफिनेशन क्या लिखे थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड। मगर वेलोसिटी को अगर डिफाइन करना होगा तो हम यही लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन पार्टिकुलर डायरेक्शन या इन डेफिनेट डायरेक्शन, या किसी खास डायरेक्शन में, या किसी खास डायरेक्शन को चेंज किया गया पोजीशन का जो रेट होगा वही उसका क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। तो वेलोसिटी के बारे में समझ में आ गया, वेलोसिटी किसको कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ हाँ बस वेलोसिटी को भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम कम है, 10 कितना में स्टार्ट हुआ था। तो वेलोसिटी किसको कहते बाबू, वेलोसिटी क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इन अ डिफिनिट डायरेक्शन या इन अ डिफिनिट डायरेक्शन बोल सकते हैं, इज कॉल्ड वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन डेफिनेट डायरेक्शन, डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय डी, इट इज डिनोटेड बाय, इसको वी से डिनोट किया जाता है बाबू। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका जो स्पीड का ऐसा यूनिट होता है वो इसका भी ऐसा यूनिट होता है, इसका ऐसा यूनिट इज SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का ऐसे भी लिखा जाता है बाबू, ठीक है। यानी वेलोसिटी बराबर हम क्या जाने, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वहां स्पीड इक्वल क्या बोले थे, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये वेलोसिटी के बारे में हमको समझना है कि ये वेलोसिटी का इक्वेशन ये होता है। अब अबाउट वेलोसिटी के बारे में आप जान लेते हैं, अबाउट वेलोसिटी तो
हाँ तो अबाउट वेलोसिटी के बारे में हम लोग बेटा जाने कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरा यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ेगा, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगा, उसी को क्या ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। उसके बाद ये जो है ये निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इट मे बी निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, यानी ये निगेटिव पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा तो वेलोसिटी निगेटिव होगा। जीरो कब होगा, जब हम जहां पे शुरू किए हैं वहीं पार कर रुक जाएंगे, तब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। जहां से हम चलना शुरू किए और रिटर्न होकर के फिर हम वहीं पर आगे फाइनल पॉइंट पर वही हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो जीरो बाय टाइम इक्वल टू क्या होगा, जीरो ना होगा। उसके बाद तीसरा क्या जानते हैं, इट्स एस आई यूनिट इज, एक्स आई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये चीजों के बारे में हम लोग जाने, यानी आज हम लोग जो कंक्लूड कर दे रहे हैं बाबू, कि आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, स्पीड के बारे में डिस्कस किया, एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस किया, वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया। कल हम डिस्कस करेंगे, यानी आने वाले 3 दिन के बाद हम डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इक्वेशन को प्रूफ करना सीखेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, वेलोसिटी के बारे में जो सीखा, तो वेलोसिटी को जान के, वेलोसिटी की दूरी क्या होता है, एक होता है कौन सा यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं। जब अनइक्वल होता है तो क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। दूसरी चीज ये बता दे कि वेलोसिटी का भी एवरेज वेलोसिटी हम निकालना कल आपको बताएंगे। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन राइज कर सकता है बेटा होकर के, अनम्यूट होकर के, ठीक है। किसको कोई प्रॉब्लम है, हेलो, नो सर, ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम सर, एक बार और बताइएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी को, वेलोसिटी जो होता है स्पीड में हम क्या बोले थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन, यानी किसी भी डायरेक्शन में जो हम पोजीशन चेंज करते हैं, और पोजीशन चेंज करने में कोई ना कोई टाइम लगेगा ही, उस दोनों का जो रेशियो निकालेंगे वो स्पीड कहलाता है किसी भी डायरेक्शन में। उसी तरह उसी का उल्टा है वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, और पोजीशन चेंज करने में कोई ना कोई टाइम लगेगा, कोई खास डायरेक्शन में, किसी खास डायरेक्शन में, या तो ईस्ट की ओर, या तो वेस्ट की ओर, या तो नॉर्थ की ओर, या साउथ की ओर, यानी डायरेक्शन के साथ मालूम होगा, या किसी खास डायरेक्शन में जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा और उसको चेंज करने में जितना टाइम लगेगा, उस दोनों का जो रेशियो निकालेंगे वही उसका वेलोसिटी कहलाएगा। और वेलोसिटी जो होता है बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है हम बताए थे आपको कि निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। जब वो निगेटिव पॉजिटिव जीरो होगा तो वेलोसिटी उसी से आएगा, इसीलिए ये भी निगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकता है। और इस वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, किस पूछताओं की वेलोसिटी को बताने के लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम, हेलो,